खरगोन जिले में 25 मई से महाविद्यालयों में शुरू हो रही प्रवेश प्रक्रिया से पहले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सेगावा, झिन्निया और भगवानपुरा में कॉलेज खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को NSUI के छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी लेकिन अमल नहीं किया है। आदिवासी अंचल में कॉलेज नहीं होने से जिला मुख्यालय पर प्रतिवर्ष प्रवेश के लिए छात्रों को परेशान होना पड़ता है। हंगामे की स्थिति निर्मित होती है। यदि सेगांव, झिन्निया और भगवानपुरा में कॉलेज खुलती है तो आदिवासी अंचलों के छात्रों को आसानी से प्रवेश मिलने के साथ ही उन्हें मुख्यालय पर रहकर पढ़ाई करने के आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यदि सच में मामा हैं तो भांजे भांजियों की चिंता कर जल्द कॉलेज शुरू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चरित्र के दौरान जो घोषणा भी रहे उस प्रकार खरगोन जिले में जो ग्रामीण अंचल है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर महाविद्यालय की शाखाएं खोलने के लिए वादा तो किया था पर ज़मीन पर उनके वादे पूरे होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। उन आदिवासी क्षेत्रों में जो भी हमारे भाई रह रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको एडमिशन के लिए खरगोन PG कॉलेज में ही आना पड़ रहा है और यहाँ पर भी सीटें कम होने के कारण उनका जो उचित जो विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन वो नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांगे कि वो जो विद्यालय सेगावा, भगवानपुरा और झिन्निया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का वादा किया है उनको सुचारू रूप से उनका संचालन हो। अगर ये प्रशासन इसकी ओर नहीं सोचता है और आगे कार्रवाई नहीं करता है तो NSUI प्रदेश स्तर पर इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। जी, शिवराज सिंह चौहान जी जहाँ भी जाते हैं घोषणाएँ तो कर देते हैं, छात्रों के हित में अपने को बताते हैं कि मैं मामा हूँ पर मामा वाला काम नहीं करते। अब ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि कंस मामा है या वास्तव में हमारे सगे मामा है। धन्यवाद। जी, अक्षांश भगोरे, NSUI कार्यकर्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।